मीत आपका हमारे चैनल मशरकी रंग में। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं आ गई हूँ नए डिजाइन के साथ। चल देखते हैं ये डिजाइन कौन कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के सामने दो सूट लेके आई हूँ जो बिस्ट्री ब्रांड के हैं और एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर। इसकी डिटेल देखने चलते हैं कि मैंने इसको किस तरह स्टिच किया हुआ है और किस तरह इनकी डिज़ाइन की हुई है। चलो देखते हैं, इसके नेक पे आते हैं। सबसे पहले नेक जो है वो मैंने इस तरह इसकी नेक जो है वो मैंने कुछ इस तरह से बनाई हुई है और इसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है। अच्छा, इस साइड पे जो है ये अलग इसके साथ पीस थे, दरमियान में जो है ये अलग पीस था। इनको मैंने इस तरह स्टिच किया हुआ है यहाँ से भी और यहाँ से भी, और फिर यहाँ पे नेक पे मैंने दरमियान में बटन लगाए हुए हैं जो स्टील के बटन है, और बाकी जो है वो मैंने सिंपल बनाई है। नीचे मैंने बॉर्डर पे कोई वो नहीं लगाई क्योंकि ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई थी तो इसके ऊपर लेस लगाना और वो फिर बहुत ज़्यादा ओवरऑल हो जाता, तो इस वजह से मैंने बैक पे कोई वो नहीं बॉर्डर पे मैंने कोई पैच या लेस वगैरह नहीं लगाई और बैक से भी मैंने वही सिंपल बना दिए। इसकी आस्तीन जो है उन पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, ये अलग यहाँ तक पेच थी इसके साथ। ऊपर जो है वो मैंने सिंपल आस्तीन लेके और यहाँ पे दरमियान में सिर्फ मैंने सेंटर लेस लगाई हुई है क्योंकि ये अलग पीस था इनके साथ एम्ब्रॉयडरी पीस, तो इनको अटैच करने के लिए मैंने ये सेंटर लेस लगा दी है। बाकी जो है वो मेरा ये फुल एम्ब्रॉयडरी सूट था। और इसकी शलवार पर मैंने इस सूट की शलवार जो है वो प्लेन थी और इसके पांचों पे मैंने कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने वही सेंटर लेस लगाई हुई है जो इसके आस्तीन पे मैंने लगाई थी और ये टुकड़ा अलग काट के फिर ये प्लेटें दी हुई है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा सही से। ये मैंने देखिए पूरे पांचे पे मैंने ये प्लेटें दी हुई है और फिर इसको अटैच करने के लिए ये मैंने फिर सेंटर लेस लगाई है और ये अलग कपड़ा काट के ये पांचे बना दिए और इस तरह ये शलवार को मैंने डिज़ाइन दिया हुआ है और अच्छा सा लग रहा है। आते हैं इसके शाल पे, ये वूल शाल इसके साथ है और ये प्रिंटेड शाल है और बहुत ही अच्छी शाल है। ये देखें इसके बॉर्डर पे पहले से ही ये बिस्ट्री का ब्रांड है तो इसके बॉर्डर पहले से ही ये पाइपिंग की हुई है, मैंने इस पर कोई पीको या वो नहीं की हुई। मेरे सेकेंड नंबर का सूट जो है वो बिस्ट्री का है और इसकी जो नेक है वो मैंने स्वीट हार्ट शेप दी हुई है और इस तरह बनाई है। बाकी जो है ये फुल एम्ब्रॉयडरी सूट था, कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और इसके बॉर्डर जो है इसके साथ ये अलग पेच थी वो मैंने लगाई हुई है गोल सिलाई करके, और ये लेस जो है वो मैंने अलग ली हुई है इनके साथ और ये डिज़ाइन बना दिया है गोल सिलाई में, ये लेस लगा दी है और इसके चाप पे भी मैंने वही लेस लगाई है। अच्छा, इसकी भी मैं कहानी बता देती हूँ। क्योंकि ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट था और इसको जब मैंने श्रिंक किया है तो इनके दामन जो थे चौड़ाई वो कम आ रही थी, तो मैंने क्या किया है उनको पूरा करने के लिए ये मैंने चाक जो है बहुत ही कम इसकी उलेड़ की हुई है, ये देखें, और इसके साथ इनको इनकी चौड़ाई पूरी करने के लिए मैंने ये लेस लगाई हुई है दोनों साइडों से ताकि इनकी चौड़ाई पूरी हो जाए। और यहाँ तक मैंने ये देखे यहाँ तक ऊपर तक मैं ये चाप पे ये डिज़ाइन लेके आई हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक आस्तीन के साइड से लेके मैंने नीचे तक ये डिज़ाइन दिया हुआ है। इस तरह ये डिज़ाइन भी बन गया है और पता भी नहीं चल रहा कि मेरा जो चौड़ाई है इसकी शर्ट की वो कम हुई है, वो इस तरह लग रहा है जैसे डिज़ाइन दिया हुआ है। और डिज़ाइन दे के मैंने चौड़ाई का भी वो जो है ख़त्म कर दिया है मसला और इस तरह एक प्यारा सा डिज़ाइन भी बन गया है। इसकी बैक जो है वो सिंपल मैंने बना दी है, सिर्फ उसके बॉर्डर पे दामन के बॉर्डर पे गोल सिलाई करके सिर्फ वही लेस मैंने लगाई है। अच्छा, इनके बैक का जो कपड़ा था आस्तीन का कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा था लेकिन एम्ब्रॉयडरी जो फ्रंट बना हुआ एम्ब्रॉयडरी फ्रंट थी वो कम थी तो बाकी सारा कुछ ठीक था, तो इसके मैंने चौक पे कोई लेस नहीं लगाई सिर्फ फ्रंट पे लगाई है वो भी सिर्फ चौड़ाई पूरे करने के लिए।
आते हैं इसके आस्तीन के ऊपर। आस्तीन जो है वो मैंने सिंपल बना दी है, क्योंकि विंटर है तो इसके साथ स्वेटर वगैरह पहन के कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। तो इसके ऊपर जो फ्रंट के ऊपर फ्रंट पे जो मैंने ये पेच लगाई हुई थी, ये आस्तीन के साथ भी यही पेच थी और वो भी गोल्ड सिलाई करके मैंने ये पेच लगा दी है और वही लेस मैंने लगाई है जो फ्रंट और चाप पे मैंने लगाई है। इस तरह ये डिज़ाइन बन गया और आप देख सकते हैं कि किस तरह इस सूट का डिज़ाइन मैंने बनाया है लेसेस के साथ। अच्छा ये मैंने सॉरी नहीं बताया कि ये दोनों सूट जो है वो टू पीस थे, शॉल और शर्ट, और इसके साथ ये मैंने शलवारें जो है अलग ली हुई है। शलवारें इसके साथ ये ऐसे कलर थे कि शलवारें इसके साथ नहीं मिल रही थी। मैंने क्या किया है कि वाइट कलर का कपड़ा लेके उसके साथ ये मैंने शलवारों जो शर्ट के कलर थे वही कलर मैंने शलवारों की दी हुई है। वो ग्रीन सूट का भी इसी तरह किया है और इस सूट का भी। ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो मैंने कलर दी ये डाइट किया हुआ है। और इस तरह देख सकते हैं कि कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल उसी तरह मैंने कलर दिया है जिस तरह शर्ट का कलर है। और शलवार पे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ है, ये प्लेटेड दे के 5-6 प्लेटेड दे के वो शलवार बना दी है, बाकी 5-6 जो है वो बिल्कुल सिंपल बना दिए हैं। इस तरह थोड़ा सा लुक भी अच्छा होगा इसके साथ। जिस तरह मैं बता चुकी हूँ कि ये टू पीस था और शर्ट और शाल, ये इसके साथ शाल है और शाल जो है वो कंट्रास्ट कलर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्रीन का भी कंट्रास्ट में था और इसका भी कंट्रास्ट में, ये डार्क ब्राउन है और कुछ इस तरह से ये इनकी प्रिंट बनी हुई है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर से आ मिले तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक देना, हमें सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी वो जो बेल है वो भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो पोस्ट करें सबसे पहले आपको पता चले। अल्लाह हाफिज़।